हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो बीमार का इलाज करता है, आपने उसको एक नाम दिया है, दुनिया ने, समाज ने उसको एक नाम दिया है। जैसे जो बीमार का इलाज करता है उसका क्या नाम है, उसको कहते हैं डॉक्टर, उसे आप डॉक्टर के नाम से जानते हैं। इसी तरह और कई शब्द हैं, उनके लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो खेती करता है, अब जो खेती करता है उसे आप क्या कहते हो, जो खेती करता है वो किसान कहलाता है, वो किसान होता है। जो स्कूल में पढ़ाता है वो अध्यापक होता है, जिसे आप टीचर भी कहते हो। ठीक है, तो जो बीमार का इलाज करता है डॉक्टर, जो खेती करता है किसान, जो स्कूल में पढ़ाता है अध्यापक, जो सेना में काम करता है यानी देश की सेवा के लिए जो बॉर्डर पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सैनिक। जो कपड़े सिलता है, आपके पैंट शर्ट, आपके स्कर्ट, जो ये सिलता है उसे क्या कहते हैं, दर्जी। जो पत्र बांटता है घर घर, जो हमारे कोरियर के समान हमारे लेटर, चिट्ठियाँ, राखी, है ना, कार्ड्स, शादी के कार्ड्स ये लेके आता है, वो कौन होता है, उसे कहते हैं डाकिया। जो सेना में काम करता है वो सैनिक, जो हमारे कपड़े सिलता है वो दर्जी, जो पत्र बांटता है वो डाकिया। जो कपड़े धोता है, कपड़े घर पे धोते हैं मशीन में हाथ से, लेकिन कुछ जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं उन कपड़ों को आप धो भी क्या देते हैं ना, वो कहलाता है, जो हमारे कपड़े धोता है वो होता है धोबी। जो चित्र बनाता है, आपने देखा होगा जब आप कहीं भी शहर में जाते हैं, आपने तरह तरह के बड़े बड़े बोर्ड्स, होर्डिंग्स लगे देखे होंगे जिन पे पेंट से कुछ बना रहता है ना, और वैसे भी तरह तरह का पेंटिंग का सामान आप दुनिया में हर जगह आपको दिखता है, कहीं कुछ बना होता है, कहीं कुछ, कहीं दीवारों पे कुछ लिखा रहता है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, चित्रकार। जो चित्र बनाता है वो चित्रकार। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दुनिया में इतनी महंगी महंगी बिकती हैं, कौन होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं ना, उन्हें कहते हैं पेंटर्स होते हैं वो बड़े, उनको कहते हैं चित्रकार। पेंटर को क्या कहते हैं, चित्रकार। जो गाना गाता है, आप इतने सारा म्यूज़िक सुनते हैं म्यूज़िक सिस्टम पे, तो जो भी गाना गा रहा होता है वो कौन होता है, गायक, यानी कि सिंगर। ठीक है, एक बार फटाफट से फिर रिवीजन करते हैं। जो बीमार का इलाज करता है डॉक्टर, जो खेती करता है किसान, जो स्कूल में पढ़ाता है वो अध्यापक, जो सेना में काम करता है सैनिक, जो कपड़े सिलता है दर्जी, जो पत्र बांटता है वो डाकिया, जो कपड़े धोता है धोबी, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो गाना गाता है वो गायक कहलाता है, और इसी तरह से कुछ और काम हैं जिनको हम एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं या बता सकते हैं। कुछ और काम हैं जिनके लिए हम एक नाम देते हैं, ठीक है, जैसे जो सब्जी बेचता है, क्या कहते हो आप उसे, आप कहते हो उसे सब्जी वाला। जो गाड़ी चलाता है, आपके घर के बाहर कोई सब्जी बेचने आता है, अगर आपको अपनी मम्मा को बताना है आप कैसे बताते हैं, सब्जी बेचने वाला आया है, यानी सब्जी वाला आया है। जो गाड़ी चलाता है, आप स्कूल की बस से घर जाते हैं तो कौन गाड़ी चलाता है, चालक, जिसे आप कहते हैं ड्राइवर। जो सर्कस में हंसाने का काम करता है वो कहलाता है जोकर, जो भी सर्कस में आपको हंसाता है वो कहलाता है जोकर। जो डॉक्टर की मदद करती है,
जो मरीज़ का इलाज करता है वो डॉक्टर होता है, और जो डॉक्टर की मदद करती है हॉस्पिटल में, एक अलग यूनिफॉर्म होती है उनकी, आप उन्हें देख के ही पहचान सकते हैं, वो कहलाती हैं नर्स। लोभ करने वाला यानी जो लालची इंसान होता है, जो लालच करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? लोभी। जो लालची होता है उसको लोग कहते हैं ये बहुत लोभी इंसान है ना, तो उसे कहते हैं लोभी। लालच करने वाला, लालची, ये लालची और लोभी ये एक दूसरे के ही पर्यायवाची हैं। अपना मतलब साधने वाला, मतलब दूसरे का अगर नुकसान हो रहा है तो हो जाए, अपने काम से काम, मेरा काम बनना चाहिए, किसी का कुछ भी नुकसान हो रहा है तो होने दो, ऐसा इंसान क्या कहलाता है? स्वार्थी, जो सिर्फ अपना भला करना चाहता है और दूसरे का कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, तो ऐसे इंसान को कहते हैं स्वार्थी। ठीक है, दूसरों पर दया करने वाला, और ऐसा इंसान जो दूसरों पर दया करता है, जैसे दूसरे का, सामने वाले का कष्ट भी अपने कष्ट जैसा लगता है और वो दूसरों को मदद करने को तैयार रहता है, उसको क्या कहते हैं? दूसरों पर दया करने वाला, दयालु। पुस्तक लिखने वाला, जैसे आप किताबें पढ़ते हैं ना, ये किताब मैं पढ़ रही हूँ तो ये किसी ना किसी ने तो लिखी है, और दुनिया में जितनी किताबें हैं, छोटे से लेकर बड़ी क्लास तक, हर क्लास तक की किताबें, वो पुस्तक लिखने वाला जो भी उसे लिखता है उसे आप कहते हैं लेखक। हर पुस्तक का कोई ना कोई लेखक होता है और उसका नाम शुरू में लिखा होता है। इसी तरह क्रिकेट खेलने वाले को क्या कहते हैं? आप सुना है ना कि ये क्रिकेट खेलता है, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? धोनी कौन था? धोनी को आप कहते हो क्रिकेटर। क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर कहलाता है। तो ये इस तरह से उनके कामों के हिसाब से आप उनको कोई एक नाम देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, ये आपके हमेशा काम आएगी, आपके ग्रामर में इसके क्वेश्चंस आएंगे, आप इसे याद कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। ये वीडियोस मैं आपके लिए बनाती हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।